समय मैं कॉम्बी के पास भरूच जिले में एक कॉटन फॉर्म के अंतर्गत हूँ और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कपास। ये देखिए, ये मैंने हाथ में एक पिकअप किया, ये कपास है, जो इसको हम कपास का बोल कहते हैं। अभी इसमें से देखिए खिले, अभी इसकी चुनाई नहीं हुई है, हार्वेस्टिंग नहीं हुई है। और ये देखिए, तमाम ये कपास के खेत हैं, इस तरह आगे बहुत मिलेंगे। तो ये यहाँ का प्रमुख लैंड यूज़ है। तो आज मैं ज़िंदगी में पहली बार कपास के खेत में मैं गया हूँ। और ये देखिए, एक और मैं आपको एक कपास का फूल चुन करके मैं आपको ये देखिए जिसको आप रुई कहते हो भाई, आज आप भी देख लीजिए कपास कैसे, इसमें देखिए कितने फूल आते। ये अच्छी फसल कहेंगे हम इसको, ये अच्छी क्रॉप है। अब इसकी चुनाव, और यहाँ इनके इसमें देखिए एक बीज होता है, कॉटन सीड कहते हो। ये देखिए, ये नज़दीक से देखिए, ये देखिए, और इसको बिनौला कहते हैं। ये कॉटन सीड है, इसको अगर करेंगे अंदर तो ये कपास के बाद ये निकलेगा। ये काले रंग का होता है, इसका तेल भी बनता है बिनौले का, कॉटन सीड का। तो ये देखिए, ये कपास के कितने फूल लगे हुए हैं। इधर भी देख लीजिए, कपास ही कपास है यार। यहाँ देखिए कितना रिच है, ये देखिए इतनी कपास मैंने ले ली अभी किसान का। ये पौधा भी गिर गया मेरी वजह से, अब इसको भी उठा देते हैं भाई। और ये मेरी यात्रा आज सफल हो गई, और संभवतः आप भी लोग भी प्रसन्न होंगे इसको देख करके। पूरे कपास की खेती को, ये कपास का पौधा देखिए इतना बड़ा होता है, तकरीबन मेरे यहाँ तक पहुँच गया, ये 5 फीट की ऊँचाई तक। और ये देखिए कपास का पौधा, ये और ऊंचा है, ये तकरीबन 5.5 फीट, क्योंकि मैं 6 फीट 1 इंच हूँ, तो ये तकरीबन 6 फीट के आसपास ये पौधा है। इससे बड़े भी सर हैं अभी, और इससे बड़े भी अंदर हैं सब। बस इतना जो है आपको मैंने दिखा दिया, और थोड़ा चल लेते हैं। और ये रो में देखिए लगाते हैं इसको, ये पूरा का पूरा रो में लगाते हैं। बहुत बढ़िया ये नज़ारा है। और हमारे जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं श्री अतुल त्रिपाठी, ये भी गाज़ीपुर ज़िले के हैं, और यहाँ MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में ज्योग्राफी विभाग में शोध छात्र हैं, मेरे ही जनपद के हैं, हमारी भाषा अच्छी तरह समझते हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की यात्रा का मेरा सबसे महत्वपूर्ण ये फल रहा है, जहाँ के लैंड यूज पैटर्न जिसको मैं देखने के लिए उत्सुक था, वो आज मेरा ये पूरा हो गया। गुजरात के दौर में भरूच ज़िले में इस समय मैं मौजूद। दोस्तों नमस्कार, अब थोड़ी भूख लग गई है, तो अब ये जियो सिंक्लाइन खाली हो गई है, इस जियो सिंक्लाइन में सेडिमेंटेशन की ज़रूरत है। तो हम अतुल जी से कहेंगे कि भाई चल के जो मिले वही खिला दो, ढेपला खिला दो, भजिया। भजिया माने पकौड़ी को, पकौड़े सर, यूपी का पकौड़ा सर, भजिया। हाँ, तो जो मिलेगा वही खाएंगे। अब बंद कर दीजिए।